अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुभान फूड्स। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ होममेड पिसे हुए गर्म मसाले की रेसिपी। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ज़ीरा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से छाननी में छानने के बाद चुन लिया। और 1 कप के रौंडी मैंने यहाँ पे लिया है खुशक धनिया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। और बाकी जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसमें मैंने लिया है यहाँ पे तेज़पत्ता, 3 से 4 मैंने तेज़पत्ते लिए हैं। बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो मसाले में से बहुत तेज़ खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने लिया है दालचीनी, दालचीनी के 5 से 6 टुकड़े मैंने लिए हैं। और इधर मैंने लिए हैं काली मिर्चें और लौंग मिक्स मैंने लिए हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून हैं काली मिर्चें और लौंग मिक्स ना। और ये 5 से 6 मैंने लिए हैं यहाँ पे बड़ी इलायची, ये वाली बड़ी इलायची। और एक मैंने यहाँ पे लिया है ये बादियान के फूल, ये भी बहुत तेज़ खुशबू होती है इसकी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही ऐड किया है। तो ये वाला मसाला जो है बहुत ही खुशबूदार बन के रेडी होता है। आप इसको दालों में, चनों में, सब्जियों में, कोरमा, कढ़ाई, जिस चीज़ में मर्ज़ी भी डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर होता है इसका। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने दी हैं गर्म मसाले के लिए। अब हम सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो हम मसाले को हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्राइंड। तो दालचीनी के टुकड़ों को हम यहाँ पे ग्राइंड करने से पहले ऐसे तोड़ लेंगे, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ताकि ये इजी से ग्राइंड हो सके। इस तरह से सारे टुकड़ों को जो है तोड़ लें, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें। तो मसालों को ग्राइंड करने से पहले जो है हम अच्छे से इनको यहाँ पर कर लेते हैं मिक्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया बाउल, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम चीज़ों को। ज़ीरा, खुशक धनिया और ये बड़ी इलायची और बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, दालचीनी को मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया डिवाइड, और ये तेज़पात। बहुत अच्छे से हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इजी हम इसको ग्राइंड कर सकें। देखिए अब हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्राइंड। वही देखिए मैं उस मसाले को मैंने मिक्सी के जार में ऐड कर लिया, इसको हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं और दिखाते हैं मैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो मसाला हमारा यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखें व्यूअर्स, मसाला हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। देखते हैं कितना फाइन सा पिस चुका है ये, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसको निहारी में, कढ़ाई में, दाल में, सब्ज़ी में, जिस चीज़ में मर्ज़ी भी डाल के बनाएँ, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।